नगर निगम कर रहा है मनमानी। धारा 144 आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन करते हुए नगर पालिका के अधिकारी करा रहे गेट का निर्माण। दुकानदार लगाएं गंभीर आरोप। पिहोवा नगर निगम दुकानदारों के परिवार वालों ने बताया कि दुकानों के सामने जो गेट बनाया जा रहा है वह सरासर गलत है। वह गेट गली के नुक्कड़ पर बनाया जाना चाहिए और उन्होंने क्या किया, नुक्कड़ को छोड़कर दुकानों के सामने गेट का कार्य शुरू कर दिया। तो मैंने इसकी शिकायत SDM पिहोवा नगर निगम के प्रधान श्री अशोक सिंगला जी को भी लिखित रूप से शिकायत दी। उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, तो फिर हमने मीडिया का सहारा लिया और अब हमारे मीडिया के साथियों ने श्री अशोक सिंगला प्रधान नगर निगम से बात की, आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो उनका कहना था हम कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जब पत्रकार साथियों ने कहा कि 2/10/2019 को आप काम शुरू करा रहे हो जबकि आचार संहिता लगी हुई है, तो उन्होंने बार बार हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है, यही उल्लंघन हो तो उनको कहने पर हमें कागज से पहले ही कंप्लीट कर रखे हैं। आचार संहिता से पहले अगर कोई इस तरह की कार्यवाही पूरी कर लेता है तो वह कार्य कर सकता है। आचार संहिता लग चुकी है और शहर के अंदर नगर निगम की तरफ से नए काम शुरू हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई सब नए काम कोई शुरू नहीं हो रहे हैं, पुराने काम। नहीं, जैसे कल नया काम शुरू हुआ गेट लगने जा रहा है, पुराना है। नहीं, पुराना कैसे है? पुराना है, पुराना स्टार्ट तो कल हुआ है ना, ऐसा कुछ नहीं। पुराना सबसे पहला गेट कितनी तारीख को लगा है? सबसे पहले इलेक्शन जब आचार संहिता से पहले अपना ये स्टार्ट हो गए थे काम। कहाँ पे हो गया था ये सारे गेटों का? मतलब अपना वाल्मीकि बस्ती में हो गया, अंबाला रोड पे हो गया। मुहूर्त किसने करा था? मुहूर्त तो किसी ने किया नहीं, काम ठेकेदार कर रहा है, टेक्निकल आदमी चेक कर रहे हैं उसको। नहीं, वो जो मेन गेट है जो कल वो कल ही शुरू, कल ही शुरू हुआ। क्या कारण है उसका? आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, करना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, काम शुरू हो रहा है, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? आप हमारे साथ चलो। ऑलरेडी प्राण हो रहा है। नहीं, प्राणा कैसे शुरू हो रहा? शुरू तो अब हो रहा है ना, वो आचार संहिता लगी हुई है। नहीं भाई साहब, प्राणा काम है, ऑलरेडी वर्क। हम आपकी बात पे फूल चढ़ाते हैं प्रधान जी, प्राणा काम आप कह रहे हो लेकिन काम कल शुरू हुआ है और आचार संहिता लगे को दिन कितने हो गए हैं? नहीं, आचार संहिता को लगे के दिन है, उससे पहले काम स्टार्ट हो चुका था। सर काम तो कल स्टार्ट हुआ है ना, पहले कैसे स्टार्ट हो चुका? सर जी नहीं, ईंटें तो कल फाड़ी गई हैं। आपने काम कार्रवाई कर देंगे जो उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। 2 अक्टूबर को आपने काम शुरू करवाया वहाँ पे, जबकि आचार संहिता कई दिन पहले से लग चुकी है। आप आचार संहिता का खुला उल्लंघन कैसे कर रहे हो? ऐसा है, कोई उल्लंघन नहीं आचार संहिता का बिल्कुल। तो सर ये आप ये बात कैसे कह रहे हो कि उल्लंघन नहीं है? नहीं है, अगर कागज कार्रवाई चेक करके उसके कागज कार्रवाई आपने आचार संहिता के बाद पूरी करी या पहले कर ली थी? पहले है। कागज कार्रवाई का मतलब क्या सर? अगर कागज कार्रवाई पहले कर ली तो काम जब मर्जी शुरू कर लो। ऑलरेडी काम स्टार्ट है। नहीं नहीं, फील्ड में नहीं कर सकते। फील्ड में नहीं सर, आप काम कर सकते हैं फील्ड में। जो काम नया काम जो काम जो काम कल स्टार्ट हुआ उसके बारे में आप क्या कहोगे, वो सही हुआ? अगर जो आचार संहिता के अगर गलत होगा तो कार्रवाई करेंगे। कब करेंगे सर? जल्द भी आप चेक कर लेंगे उसको। हमने तो रिपोर्ट आपको दे दिया, काम अभी आपका, देखते हैं आप क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल ठीक है। नगर निगम की तरफ से आपके दुकानों के सामने जो गेट लग रहे हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है और इसकी आपको क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि ये गेट जहाँ से गली शुरू होती है वहाँ पे लगने चाहिए जी। ये गेट किसी विशेष बंदे के उसमें मतलब कि आगे बातों में आगे मेरी दुकान के आगे गेट लगाया यार है। कम से मेरी दुकान 20 फुट पीछे है, रोड से 20 फुट पीछे दुकान अभी छोड़ दी गई है। यानी कि आप चाहते हो कि गेट जो बनना है वो फ्रंट पे बने? बिल्कुल फ्रंट पे बनना चाहिए, लेकिन वो फ्रंट पे ना बनके मेरी दुकान आगे बनाया जा रहा है, आपकी दुकान का आगे बना जाए। वो जिस वार्ड के अंदर गेट बन रहा है वो उस वार्ड की एमपी नहीं है, मेंबर भी नहीं है उस वार्ड। जो प्रधान है उनको आपने उनको शिकायत दी? प्रधान से मैं पर्सनली मिला था जी, वो कह रहे थे मैं इस बारे में एमबी से कहूंगा। अब उसके बाद और उन्होंने अभी अभी हमारे को बोला कि रिटर्न में दिया उनको आप छुट्टी दी ना, अभी वो यही बात कह के बोल के गए कि उन्होंने हमारे को रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं दी, हम इस पे बेकायदा गौर करते।